नमस्ते डियर व्यूवर्स तो इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कार्नोट्स हीट इंजन पर बेस्ड तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमने जो सबसे पहला न्यूमरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर लिया है वो है इन अ कार्नोट्स हीट इंजन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक आर फाइव हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड रिस्पेक्ट ठीक है मतलब है कि जो टेम्परेचर है सोर्स का वो 500 केल्विन है और सिंक का टेम्परेचर 375 केल्विन है आगे इफ द इंजन कंज्यूम्स 600 हंड्रेड इंटू टेन पे पावर फाइव कैलोरी पर साइकिल ठीक है मतलब जो वॉकिंग सबिस्टेंस होता है ना हीट इंजन में उसी को इंजन कहते हैं ठीक है तो इंजन जो है जो सोर्स है उससे इतना कैलोरी हीट वो ले रहा है ठीक है तो हमें क्या कह रहा है हमें कह रहा है कि फाइंड द इफिसंसी जो हीट इंजन है ये जो कारनौस हीट इंजन है इसका इफिशियंसी फाइंड आउट करना होगा दूसरा वर्क डन पर साइकिल कितना पर साइकिल वो कितना वर्क डन कर रहा है और हीट रिजेक्टेड तो पर साइकिल ठीक है देखो पर साइकिल में कितना अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है वो गिवन है लेकिन कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है वो गिवन नहीं है तो चलिए इन तीनों को बारी बारी से फाइंड आउट करते हैं देखिए हमारे सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए कि गिवन मतलब है कि हमारे पास क्या क्या जो गिवन है क्या क्या इन्फॉर्मेश गिवन है हमारे पास तो सबसे पहले जो टेम्परेचर है सोर्स का T1 वो हमारे पास गिवन है चलिए ठीक है जो है 500 हंड्रेड सिंक का टेम्परेचर गिवन है जिसे हम लोग T2 से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 375 हंड्रेड ठीक है हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व करता है वॉकिंग सबिस्टेंस Q1 वो गिवन है जो है 600 हंड्रेड इंटू टेन पे पावर फाइव कैलोरीज पर साइकिल गिवन है हमारे पास अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है हीट इंजन का इफिशियंसी है ना हमें फाइंड आउट करना है वॉक डन हमें फाइंड आउट करना है क्यू टू जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है तो इसे फाइंड आउट करते हैं चलिए सबसे पहले सबसे पहले इफिशेंसी फाइंड आउट करते हैं इफिशेंसी ईटा क्या होगा वन फॉर्मूला होता है इफिशेंसी का वन माइनस टी टू बाई टी वन इंटू हंड्रेड ठीक है हंड्रेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इफिसंसी हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो परसेंटेज में ठीक है देखिए वन माइनस टी टू का वैल्यू कितना है थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव है ये ध्यान रखेंगे ठीक है थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टी वन कितना है फाइव हंड्रेड ब्रैकेट इंटू हंड्रेड चलिए इसे पहले माइनस कर लेते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा फाइव हंड्रेड यहाँ पर क्या होगा फाइव हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड फाइव ब्रैकेट हंड्रेड आप चाहें तो यहाँ से ये जीरो और ये दो जीरो कैंसल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फाइव मिलेगा ये परसेंटेज में आ जाएगा आप थोड़ा डिवाइड करके देख लीजिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा फाइव टू जे टेन और बचा फाइव ठीक है बच्चा ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव लीजिए जो हमारा इफिशियंसी आ रहा है कार्नॉक्स हीट इंजन का जो यहाँ पर गिवन है वो इफिशियंसी है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ये रिक्वायर्ड ईटा का वैल्यू हो गया हमारे पास ठीक है अब दूसरा जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है सेकेंडली हमें फाइंड आउट करना डन पर साइकिल मतलब पर साइकिल कितना डन हो रहा है अब देखिए हम लोगों ने ये तो देख लिया कि भाई इफिशियंसी वन माइनस टी टू बाई टी वन इंटू हंड्रेड होता है ठीक है परसेंटेज में लेकिन इफिसियंसी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो होता है रेशियो ठीक है जो इफिसियंसी होता है वो एक्चुअल में होता है ईटा इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब इससे इक्वल होता है ठीक है मतलब है कि जो वर्क डन है वो इक्वल होगा कि इससे ईटा इंटू एमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब से तो अमाउंट ऑफ हीट वो कितना ऑब्जॉर्ब कर रहा है ये देखिए यहां पर हमारे पास गिवन है ना और इफिसंसी हमने अभी निकाला ट्वेंटी फाइव परसेंट तो देखिए तो W इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड इंटू जो अमाउंट ऑफ हीट कितना है सिक्स हंड्रेड इंटू टेन पावर फाइव कैलोरी में है कि ये जो गिवन है ये कैलोरी पर साइकिल में गिवन है तो वॉक डन जो हमें निकालना होगा वो जूल में निकालना होगा ठीक है तो इसे हम लोगों को डिवाइड करना होगा फोर पॉइंट टू जूल से देखिए W इज इक्वल टू ये जीरो जीरो को कैंसिल अगर कर दे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वन ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स करेंगे तो वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलेगा इंटू टेन पे पावर फाइव इसे आप कुछ ऐसे लिख लीजिए वन पॉइंट फाइव इंटू टेन पे पावर सेवन ये कैलोरीज में आ गया ठीक है अब इसे क्या करना है जूल में कन्वर्ट करना है तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा इसे जो है डिवाइड करना होगा किससे फोर पॉइंट टू से पावर सेवन डिवाइडेड बाई फोर पॉइंट टू ठीक है अब ये जूल्स में आ जाएगा और जब आप डिवाइड करोगे 4.2 को 1.5 से तो आपको जो रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा ठीक है वो होगा W इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव सेवन इंटू टेन पे पावर सिक्स कुछ ऐसा मिलेगा आपको लेकिन जब आप राउंड अप कर लोगे तो आपको मिलेगा थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन पे पावर सिक्स जूल्स तो ये हमारा वॉकडन हो गया ठीक है वॉकडन हो गया पॉ साइकिल अब देखिए हीट रिजेक्टेड पॉ साइकिल हमें फाइंड आउट करना है तो चलिए देखिए हम लोगों ने ये तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई देखो सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने इफ़िशंसी का फॉर्मूला देखा है एक फॉमूला होता है इफिशियंसी का वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई टी वन और है ना ये फॉर्मूला होता है आपका हीट इंजन के लिए कार्नोट्स साइकिल जो होता है कार्नोट साइकिल के लिए जो एफिशंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है वन माइनस क्यू टू बाई की वन ठीक है इन दोनों के हेल्प से हमारे पास एक रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है Q1 वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू टी वन ठीक है अब देखिए हमें क्या निकालना है हीट रिजेक्टेड पॉसाइकिल मतलब Q2 निकालना है हमें तो आप कुछ ऐसे ही अरेंज कर देंगे तो हमें Q2 का वैल्यू मिल जाएगा इस T1 को क्या कीजिए इधर ले आइए तो Q1 वन इंटू टी सॉरी ये T2 है ठीक है T2 टू डिवाइडेड बाई टी और इस Q2 को उधर क्यू टू देर फोर आप ऐसे लिख सकते हैं क्यू टू जो अमाउंट ऑफ हीट है कितना है ये, यहां से 600 10 5 था, तो सिक्स हंड्रेड इंटू टेन पे पावर फाइव इंटू टी टू क्या है टी टू यहां पर टेम्परेचर सिंक का जो है थ्री हंड्रेड से ठीक है इंटू कितना हो गया थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टी वन क्या है सोर्स का टेम्परेचर जो है फाइव हंड्रेड के एलेवन तो फाइव हंड्रेड ये डबल जीरो और ये डबल जीरो को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं ये फाइव और ये फाइव तो कैंसिल कर देते हैं तो फाइव सिक्स या थर्टी और इधर कितना हो गया सॉरी फाइव सेवन या थर्टी फाइव से ये लग जाएगा फाइव सेवन या थर्टी फाइव बचा कितना ट्वेंटी फाइव तो फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव तो हमारे पास क्या बच रहा है सिक्स इंटू सेवेंटी फाइव इंटू टेन पे पावर फाइव मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार तो सिक्स फाइव जब थर्टी थ्री कैरी सेवन सिक्स जब फोर्टी टू और थ्री फोर्टी फाइव इंटू टेन पावर फाइव ये यहाँ पर कैलोरीज में ही निकलेगा ठीक है ये कैलोरीज में ही आ रहा है ठीक है अब देखिए आप कुछ ऐसे लिख लीजिए फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन पे पावर सेवन कैलोरीज ठीक है तो ये जो है ये हमारा अमाउंट ऑफ हीट हो गया जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट हो गया जो सिंक को रिजेक्ट किया जा रहा है वर्किंग सबिस्टेंस के द्वारा या इंजन के द्वारा ठीक है यह है अमाउंट ऑफ हीट ठीक है जो क्या जो पर् साइकिल का है ठीक है ये साइकिल है ठीक है ध्यान रखेंगे तो हम लोगों ने ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हम लोगों ने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है तीनों को तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ठीक है थीके? वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है हम लोगों ने इस इस पूरे वीडियो में इजी क्वेश्चंस को ही लिया है तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके सामने है तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमारे पास ये देखिए अ कार्नोट्स हीट इंजन ऑब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स एट फाइव हंड्रेड कैलवन एंड रिजेक्ट्स अ पार्ट ऑफ इट टू द सिंक एट थ्री हंड्रेड कैलवन इफ द हीट ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स बी वन थाउजेंड कैलोरीज कैलकुलेट हीट रिजेक्टेड टू सिंक देखिए हमारे पास क्या कह रहा है हमें ये कह रहा है कि जो कार्नॉट्स हीट इंजन है ठीक है वो सोर्स से 500 सोर्स से क्या कर रहा है कुछ हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है जो 500 हंड्रेड पर है मतलब है कि हमारे पास गिवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं टी वन जो हमारे पास ठीक है मतलब है कि जो सोर्स का टेम्परेचर हमारे पास गिवन है अब देखिए क्या बोल रहा है एंड रिजेक्ट से पार्ट ऑफ इट टू द सिंक सिंक को रिजेक्ट कर रहा है कुछ पार्ट जो टेम्परेचर 300 हंड्रेड पर है देखिए T2 भी हमारे पास गिवन है सिंक का टेम्परेचर 300 हंड्रेड अब क्या बोल रहा है अब बोल रहा है इफ़ हीट ऑब्जॉर्व फ्रॉम द सोर्स सोर्स से जो हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है बी वन थाउजेंड कैलोरीज मतलब है कि हमारे पास Q1 भी गिवन है Q1 वन इज इक्वल टू वन थाउजेंड कैलोरीज ठीक है मतलब अमाउंट ऑफ हीट वो जो सोर्स से ऑब्जॉर्व कर रहा है वो वन थाउजेंड कैलोरीज है तो बोल रहा है कैलकुलेट हीट रिजेक्टेड टू द सिंक तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि हीट जो सिंक को रिजेक्ट हो रहा है ठीक है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड जो अमाउंट ऑफ हीट जो सिंक को रिजेक्ट कर रहा है क्यू टू जिसे हम लोग लेते हैं वो होगा क्वेश्चन मार्क मतलब है कि हमें इसका वैल्यू पता नहीं हमें इसे फाइंड आउट करना होगा अब देखिए हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ये डिस्कस किया कि हमारे पास जो है ईटा का दो वैल्यूज होता है एक हीट इंजन के लिए और एक कारनाट साइकिल के लिए तो इन दोनों के हेल्प से हमें ये एक रिलेशन मिला है इसी रिलेशन के हेल्प से हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्यू टू का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे चलिए देखें यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है जो रिलेशन हम लोग यूज करेंगे वो रिलेशन क्या है यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट वी नो डैट क्यू वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू इट मीन्स है कि क्यू टू जो है इसकी इक्वल होगा किससे टी टू इंटू क्यू वन डिवाइडेड बाई टी वन से अब देखिए टी टू का वैल्यू हमारे पास कितना आगे है जो सिंह का टेम्परेचर है वो है थ्री हंड्रेड Q1 जो अमाउंट ऑफ हीट वो ऑब्जॉर्व कर रहा है सोर्स से वो कितना है वन थाउजेंट डिवाइडेड बाई टी टी वन जो सोर्स का टेम्परेचर है वो कितना है फाइव हंड्रेड तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए ये जीरो और ये ज़ीरो तो दो को कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर क्या होगा ये फाइव से आप इसे कट कर सकते हैं फाइव टू ज टेन मतलब टू हंड्रेड तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिक्स हंड्रेड तो सिक्स हंड्रेड कैलोरीज अमाउंट ऑफ हीट जो सिंक को रिजेक्ट किया जा रहा है इंजन के द्वारा या वॉकिंग सबिस्टेंस के द्वारा द्वारा वो कितना है 600 कैलोरीज तो ये हमारा वीडियो नंबर वन है ठीक है आ, ये हमारा जो है ये वीडियो नंबर वन है इसके बाद और भी वीडियोज आएंगे जिसमें हम लोग और भी डिफिकल्ट मीडियम है ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कार्नॉट्स हीट इंजन पर बेस्ड और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर हम लोग ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आगे आपको अपडेट्स मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने आने वाले वीडियोस में तब तक के लिए धन्यवाद